चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जियो कंपनी से लेकर एयरटेल, वोडा, आइडिया, बीएसएनएल सभी कंपनी का बड़ा ऐलान, महंगाई दर फिर से बढ़ने जा रहा। इलेक्शन खत्म होते ही सभी रिचार्ज का कीमत बढ़ जाएगा 30%। महाराष्ट्र वोटिंग से पहले शाहरुख ने भी किया लोगों से वोट देने का अपील, सोशल मीडिया में वीडियो डालकर लोगों को कर रहे जागरूक। बॉलीवुड हसीन ने बॉलीवुड वासियों से की वोट करने की अपील, कहा मदद सिर्फ हमारा हक नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। सोना चांदी में फिर से आया उछाल, चांदी 92,000 के पार पहुंचा, शुद्ध सोना 76,000 रुपया 24 कैरेट का पहुंचा। असम के सीएम हेमंत के बिगड़े बोल, कहा पीएम मोदी को 400 सीट दीजिए, हम देश में चार चार शादी वाला सिस्टम कर देंगे बंद। लालू यादव दोनों बेटे के साथ चले जाए पाकिस्तान, बिहार में बोले हेमंत बिस्व शर्मा, मैं मुल्ला बनने का दुकान खुलने नहीं दूंगा। हेमा मालिनी का पोस्टर दिखाकर कराया अपर्णा यादव का रोड शो, निराश हुए रायबरेली के लोग। चुनाव से पहले बिहार में पैसेंजर ट्रेन भी नहीं गुजरा, गुजरात को बुलेट ट्रेन दिए जा रहे हैं मोदी सरकार, प्रशांत किशोर का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। बेकाबू हुई भीड़, बैरिकेड तोड़कर मंच पर पहुंची, नाराज होकर बिना भाषण दिए लौटे अखिलेश और राहुल कुमार। अब बिल आएगा जीरो, गरीबों को मिलेगा राहत, टाटा के 2 kW सोलर सिस्टम लगवाने पर मिलेगा 70% तक की छुट्टी। कार की टक्कर से बेकाबू हुआ ट्रक, ब्रिज तोड़ते हुए नदी पर झूल गया, 1 घंटे हवा में अटकी रही सांसें। चलती ट्रेन में युवती से बलात्कार, एसी कोच में घुसकर 2 युवकों ने किया रेप। अग्निवीर योजना, बिहार में चयन हो जाने के बाद भी नौकरी छोड़ रहे हैं अग्निवीर योजना, सभी स्टूडेंट मोदी सरकार से है नाराज, जल्द से जल्द बंद करे अग्निवीर योजना। नोटों के पहाड़ वाले गरीब को लौटा दूंगा, सरकारी तिजोरी में नहीं जाएगा पैसा, झारखंड में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 40 करोड़ मिला कैश, अभी भी गिनती पूरी नहीं, जूता कारोबारी के यहाँ आगरा में हुआ है रेड, मिला है 40 करोड़ रुपया तक का कैश। पुलिस ने केजरीवाल को बीजेपी ऑफिस जाने से रोका, वापस लौटे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, विरोध प्रदर्शन हो गया खत्म। उज्जैन के महाकाल भस्म आरती के लिए अब 1500 रुपया की मांग, महिला ने पुरोहित का वीडियो रिकॉर्डिंग करके कलेक्टर से किया शिकायत। कहीं मेरी पर्ची तो नहीं मिली, 3 बड़े शू बिजनेसमैन पर आयकर की कार्रवाई, आगरा के छोटे जूता कारोबारी में हड़कंप। ममता से लड़ना है तो राम के घर आ जाओ, खड़गे की चेतावनी के बाद अधीर रंजन को भाजपा का ऑफर। फिर एक और तीर्थ यात्री की हार्ट अटैक से हो गई मृत्यु, 4 धाम यात्रा में 5वें दिन में 12 लोगों का अभी तक हो गया मृत्यु। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम डेट 29 और 30 जून को होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम, बोर्ड ने आज से किया ऐलान। भाजपा की नाटकबाजी जुमलेबाजी अब समझ गई है जनता, मायावती ने भाजपा पर किया हमला, बोला भाजपा खाली नौटंकी करती है, काम वाम कुछ नहीं करती। प्रशांत किशोर से मिले पप्पू यादव, लोकसभा चुनाव के बीच बिहार का सियासी पारा हो गया हाई। केदारनाथ बद्रीनाथ समेत 4 धामों के पास मोबाइल फोन चलाने पर लग गया प्रतिबंध, रील या वीडियो बनाने पर भी सख्त कानून बनने को लेकर हो गया ऐलान। उड़ते फ्लाइट में लगी आग, दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी हुआ घोषित, सवार थे 175 यात्री, अचानक किया गया लैंडिंग, बचाया गया लोगों का जान। दिल्ली में गर्मी का कहर, 47 डिग्री पार पहुंचा तापमान, कौन सा इलाका रहा सबसे गर्म, दिल्ली एनसीआर सबसे ज्यादा इलाका हुआ गर्म। अब बिना वीजा के भी जा सकेंगे रूस, कर सकेंगे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की खूबसूरती का दीदार, जल्द सरकार शुरू कर सकती है इस तरह का घोषणा।
अब नेपाल में भी MDH एवरेस्ट मसाले पर लगा प्रतिबंध। कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड की जांच की शुरू। अप्रैल से लगातार बढ़ रहा था मसाले पर विवाद। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा चांदी। 86,373 प्रति किलो पर बिक रहा 10 ग्राम सोना 55 रुपया सस्ता होकर 73,383 पर हुआ बंद। 48 घंटों के अंदर जारी हो वोटिंग के आंकड़े। CGI चंद्रचूड़ की पीठ ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब। अब सफर में नो टेंशन, घोड़े बेचकर सो जाइए। बैग का ख्याल रखेगा रेलवे का चौकीदार। रेलवे में लागू होने जा रहा एक नया नियम। मोदी के विकास पर वीडियो बनाकर रश्मिका मंदाना हुई ट्रोल। अब PM ने खुद शेयर करके एक्ट्रेस को किया वीडियो शेयर। गुजरात में 55 साल से कम उम्र है तो आयुष्मान कार्ड से प्राइवेट अस्पताल में नहीं होगा अब रिप्लेसमेंट। बहुत बड़ी आ गई बुरी खबर। सपा कांग्रेस सत्ता में आई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। PM मोदी ने UP के बाराबंकी में इंडिया गठबंधन गुट पर किया हमला। कन्हैया कुमार ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा, कॉलर पकड़कर तुमको तुम्हारी औकात बता दूंगा। वायरल वीडियो का पूरा बयान हुआ वायरल। दिग्वंश सुशील मोदी के परिजन से मिले तेजस्वी यादव। बोले, बिहार में BJP को खड़ा करने की उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही। 40 सालों में 1.25 करोड़ बांग्लादेशी घुस चुके, सतर्क हो जाए झारखंड। हेमंत शर्मा बोले, मैं पीड़ित राज्य से CM हूँ, हमारे राज्य में भी बहुत ऐसे घटना देखने को मिली है। जज साहब हेमंत सोरेन को छोड़ दो, कहते रह गए कपिल सिब्बल। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत पर टाल दिया सुनवाई। अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, 4 जून को मैं जेल में रहूंगा, TV में देखूंगा तो सुकून मिलेगा कि इंडिया गठबंधन जीतेगी और अगले दिन मैं आऊंगा बाहर। दो गायों की लड़ाई में बुरी तरह फंस गई लड़की। वीडियो देख दहल जाएगा आपका दिल। वीडियो आप भी देख सकते हैं। मुंबई के कॉलेज में लागू किया गया ड्रेस कोड। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बुरके हिजाब पर बैन बताकर मचाया बवाल। फैसले को बता रहे मुस्लिम विरोधी। अग्निवीर अच्छी योजना नहीं। बांका में मिलिट्री ग्राउंड में सुबह शाम पसीना बहा रहे युवा है परेशान। बोल रहे मोदी सरकार ने बहुत गलत किया अग्निवीर योजना बनाकर। 300 पार बना राम मंदिर और लागू हुआ CAA। 400 पार होने पर POK होगा हमारा। उड़ीसा में गरजे हिमंत बिस्व शर्मा। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की रैली में अरविंद केजरीवाल बोले, अगर BJP जीत गई तो शरद पवार भी होंगे जेल के अंदर। दिन रात शिफ्ट लगाकर EVM की निगरानी कर रहे इंडी गठबंधन एलायंस के नेता। बताई है बड़ी वजह, चोरी हो रहा EVM। फिर बयान से पलटे PM मोदी। बोले, कभी नहीं कहा कि कांग्रेस राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देगी। अपने ही बयान पर झूठ बोलते हुए फिर से पलटे मोदी। अपने इंडिया एलायंस के साथी के खिलाफ इतनी भद्दी भाषा में बोला। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी। ये क्या? ये मेरा बयान नहीं है। आपने बोला इसमें? ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा चांदी। ये 85,700 प्रति किलो पर बिक रहा सोना फिर 73,000 रुपया पर पहुंचा। T20 वर्ल्ड कप 2024 से किया किनारा। अब काउंटिंग क्रिकेट खेल पर नजर आएंगे बेन स्टॉक। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका लटका कर सीधा कर देंगे। बिहार में अमित शाह का बड़ा ऐलान। वो मस्जिदे जरारा, वहां कोई मुसलमान नहीं जाएगा। अयोध्या में धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद पर बोले OYC। महिला के साथ रूम में ये क्या कर रहे BJP के पूरे विधायक, आप भी देख सकते हैं वीडियो। सोशल मीडिया में तेजी से हो रहा वायरल।
आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान के घर पहुंची योगी की पुलिस। बाप बेटे दोनों है फरार, पेट्रोल पंप पर की थी मारपीट, सहयोग इकरार हो चुका है गिरफ्तार। अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस की गोद में बैठ गए लालू यादव। सीतामढ़ी में लालू परिवार पर बरसे अमित शाह। नंदीग्राम में मुझे हराने के लिए भाजपा ने अपनाए थे कई हथकंडे, टीएमसी सुप्रीमो ने कहा मैं आज नहीं तो कल जरूर बदला लूंगी। बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं, फिर भी चुनाव अभियान छोड़कर भाग रहे बीजेपी। अमित शाह के कश्मीर दौरे पर बोले उमर अब्दुल्ला। सिर मुंडवा कर सिंधिया ने मां राजमाता माधवी राजे को दी अंतिम विदाई, 14 दिन तक मनेगा शोक। क्या कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? मैं मैदान में हूँ, तुम भी हो, नरेंद्र मोदी का ऐलान। नामांकन रद्द होते ही प्रत्याशी का डीएम ऑफिस में हंगामा, पुलिस कर्मी का पकड़ा कॉलर। केजरीवाल के बाहर आने से बीजेपी का कुछ नहीं जाता, कांग्रेस का ही घाटा, प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान। श्याम रंगीला ने पीएम मोदी के खिलाफ भरा था पर्चा, हुआ रद्द, बोले हंसी आ रही है चुनाव आयोग पर, हंस लो क्या। बनिया का बेटा हूँ, बिहार को पहले अब केंद्र को मिले पैसे का हिसाब लाया हूँ, लालू से बोले अमित शाह। लोकसभा इलेक्शन के बीच इस बार 25,000 वोटों से हार जाऊंगा, इस बीजेपी सांसद का वीडियो वायरल। इंडिया गठबंधन की सरकार बनती ही जेल से बाहर आ जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐलान। हैदराबाद में बीजेपी की माधवी लता को बुर्का हटवाने के बाद मुस्लिम महिला बिना वोट दिए गई घर, बीएलओ ऑफिसर ने किया बड़ा खुलासा। कई यूजर के फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट डाउन, फीड रिफ्रेश करने से परेशानी आ रही, 2 महीने पहले भी हुआ था डाउन। आज सोना चांदी के दाम में तेजी, सोना 72,725 रुपए पर पहुंचा, चांदी 84,206 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा। अब 3 दिन में सेटल होगा ईपीएफ क्लेम, मेडिकल एजुकेशन मैरिज और हाउसिंग पर्पज के लिए मिलेगा सुविधा, पहले 15-20 दिन लगते थे। बारिश के लिए हो जाइए तैयार, अब 31 मई के आसपास केरल में पहुंचेगा बारिश, दक्षिण पश्चिम मानसून को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। वाराणसी में पीएम मोदी खिलाफ 7 प्रत्याशी, श्याम रंगीला समेत 32 पर्चे खारिज, 41 लोगों ने किया था नामांकन। बीजेपी को 140 सीट के लिए तरसा देगी जनता, यूपी में 79 जीतेंगे, वाराणसी में लड़ाई है, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। निर्दलीय चुनाव लड़ रही हिना साहब के अटके रखी है आरजेडी की सांसें, पति हुए थे करते थे लालू यादव के खास। केजरीवाल की जमानत पर अमित शाह बोले यह सुप्रीम कोर्ट का रूटीन जजमेंट नहीं, कई लोग मानते हैं उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट लिया। खुफिया जासूसी है सीमा हैदर, एक ऑडियो ने खाली कर दिया पोल, पाकिस्तान ट्रेनिंग कैंप में जाकर की थी ट्रेनिंग। रील बनाने केदारनाथ आए लोगों को युवक ने लगाई जमकर फटकार, ढोल बजाने पर कहा पहाड़ों को शांत रहने दो। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरी सभा में किया दावा, बोले यूपी में 60-70 सीटें जीतेगी गठबंधन। कांग्रेस ने चुनाव में अब रेलवे को बनाया नया मुद्दा, वीडियो शेयर करके मोदी सरकार पर निशाना साधा, बोला रेलवे में इतना भीड़ कहां से है जब मोदी सरकार बुलेट ट्रेन लॉन्च कर चुकी है।